द्वारा मैं मनोज सिंह वाराणसी डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर, जो कि आप लोगों ने देखा था बार बार फिजिकल का वीडियो आ रहा था, कमेंट्स में भी आ रहा था कि सर अपने क्लासरूम का, अपने रिटेन एग्जाम का वीडियो भेजिए। दोस्तों अब हमारा रिटेन का, जो कि आर्मी वालों को रिटेन का एग्जाम का वीडियो जा रहा है, हमारे अनिल सर हैं जो मैथ्स के टीचर हैं, अनिल सर ये आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि नहीं मैथ में हमारे जीडी में क्या पढ़ाया जाता है, टेक्निकल को क्या पढ़ाया जाता है, कलर को क्या पढ़ाया जाता है। एग्जाम के लड़के तकरीबन एकेडमी में आना शुरू हो गए, कुछ है भी आपको मैं अनिल सर से मिलाता हूँ। थैंक यू सर। आज हम मैथ में टॉपिक रखे हुए हैं वर्क टाइम, कार्य समय। इस पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम किस तरह से हल करेंगे। कार्य का मतलब होता है वर्क, हम कैसे वर्क करते हैं। किसी काम को करने के लिए 10 लोग 15 दिन के काम करते हैं और बोला जाए कि अगर 15 आदमी हम लगा दें तो वह कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आदमियों की संख्या अगर आप इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं तो जो दिनों की संख्या होगी वह डिक्रीज होगी, यानी कम होगी। आदमी की संख्या अगर आप कम कर रहे हो तो जो दिनों की संख्या होगी वह आपकी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी काम को 112 दिन में करती हैं, तो कहता है कि 3 आदमी और 6 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हमारे जो 3 आदमी हैं, 3 पुरुष हैं, उसको हम जो 6 स्त्रियां हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को आपस में पहले हम बराबर कर लें। हमारे पास 3 पुरुष ये 6 स्त्री के बराबर हैं, तो सबसे पहले 1 पुरुष आप निकाल लीजिए, वह आपके कितने पुरुष स्त्री के बराबर होंगे, तो ये मिलेगा आपको 1/2। 3 इकाई 3, 3 दूने 2, मींस ये होगा 2 स्त्री के बराबर हो गया। क्लियर हो गया। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि 3 पुरुष प्लस 6 स्त्री, तो सबसे पहले हम 1 पुरुष को जानते हैं वो 2 स्त्री के बराबर है, तो यहां पुरुष को स्त्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 पुरुष है तो 1 पुरुष 2 स्त्री के बराबर, तो 3 पुरुष होंगे, तो 3 × 2 + 6, इसको हम स्त्री को चेंज नहीं करेंगे या उसी पार में रहेंगे, तो यहां से 3 × 6 + 6 ये आ जाएगा आपको 12 स्त्री के बराबर। क्लियर हो गया। यस सर। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहां स्त्रियों की जो संख्या है स्त्री, और यहां हम दिन कर हल करते हैं। स्त्री और दिन कर हल करेंगे, तो पहले जो था वो 6 स्त्री था, 6 स्त्री 112 दिन लेते थे, यहां पर आ गई हमारे पास 12 स्त्री हैं, इस काम को x दिन में मान लेते हैं कंप्लीट करेंगे। यहां हम देख रहे हैं 6 स्त्रियां 112 दिन का समय लेती हैं, हम 12 स्त्री कर दें, यानी स्त्रियों की संख्या को हम क्या करें, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, तो कितने दिन लगेंगे, यानी दिनों की संख्या हमारी क्या होगी, वह कम होगी। यहां पर देखिए बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो हम विलोमानुपात एक दूसरे के अपोजिट लगा देते हैं। एरो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी को लिखना प्रारंभ करेंगे, तो 12/6 बराबर ये होगा आपका 112/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 12x होगा इक्वल
टू सिक्स इंटू वन हंड्रेड ट्वेल्व एक्स इक्वल टू सिक्स इंटू वन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व का आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा एक्स इक्वल टू कितने आ जाएंगे, यानी छप्पन दिन में ये हमारा कार्य क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो पुरुष या स्त्री के बराबर ऐसे दिया हो इस क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर इसी को हम यहां तक तो आ जाते हैं, इसी को हम यहां से आगे बढ़ाते हैं ये दूसरे मेथड से, डब्ल्यू वन इंटू डी वन डब्ल्यू टू इंटू डी टू से, डब्ल्यू वन यानी ओमेन औरतें या स्त्रियों में हमने कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास छह स्त्री थी और 112 दिन का समय थी। यहां पर हमने निकाल दिया कि कुल जो पुरुष और स्त्री दोनों आ गई हैं तो ये 12, तो यानी 12 गुणे इसको हम डी टू कर देते हैं कितना दिन लगेगा। डी टू इक्वल टू इस 12 से हम डिवाइड कर देंगे 12 अपॉन 12, तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 2 फाइव जा 10 और 2 सिक्स जा 56, यानी ये भी आएगा आपको 56 दिन, यानी 56 डेज आपको लगेंगे इस वर्ष को कंप्लीट करने में। ओके, यस सर, थैंक यू।